हेलो स्टूडेंट्स गुरु नीति नीट 2023 के लिए बहुत ही एक अच्छा आपके पास है। जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मिल रहे हैं आपको गुरु नीति 2023 के थ्रू तो इसमें हमारे पास देखिए ऑर्गेनिक पोर्शन चल रहा है ऑर्गेनिक पोर्सन में कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और कार्बोनिल कंपाउंड में देखो आपका आपको पूरा टोटली एक रिविजन हो जाएगा कार्बन कंपाउंड में हमारे पास तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक तो और उसके बाद में दूसरा पार्ट हमारे पास कुछ नेमिंग रिएक्शन आती है जिसमें एलडोल रिएक्शन है, है, है इसके बाद में हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चन होते हैं और ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत मिक्सिंग जो है वो तो रहता ही रहता है क्वेश्चन का तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एन ए आर रिएक्शन देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है कार्बोनिल कंपाउंड की एक मेन रिएक्शन होती है करेक्ट्रिटिक रिएक्शन होती है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर आप देखो नीट 2013 से लेकर के और हम बात करें 22 तक तो बराबर क्वेश्चन आता है इसमें तो यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है देखो ये आपके पास है सीओ ग्रुप अब ये न्यूक्लियो होता है आपके पास ये न्यूक्लियो बच्चों इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो यहां प्रोडक्ट आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा पहले ओ नेगेटिव और ये एन यू इंटरमीडिएट और इसके बाद में इसके ऊपर फर्दर एक इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करके ये इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा इसको एडिक्ट बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट एडिक्ट प्रोडक्ट है एडक्ट है तो यहां पर बच्चों जैसे कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी जो डिपेंड करेगी वो पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करेगी पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करेगी हम ये कहेंगे एन रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आनी चाहिए और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी या तो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप से भी आएगी ठीक है तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ईडब्ल्यू जी इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ईडीजी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है एन का तो देखिए हमारे पास एल्डिहाइड दिए हैं फर्स्ट ऑप्शन में ये एल्डिहाइड है ये कीटोन है फिर यहाँ हमारे पास एल्डिहाइड और फिर कीटोन है तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव है कीटोन से एन के लिए अब ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया बच्चों। एल्डिहाइड में मोर अब देखो इसका जो है आपका ईडीजी जी इफेक्ट आ गया और इसका आपका ईडब्ल्यूजी जी इफेक्ट आ गया तो ई डब्ल्यू जी के कारण हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू ए प्रोडक्ट सी वाज ऑप्टेन फ्रॉम मेटा नाइट्रोबेनजल इन द फॉलोइंग रिएक्शन ठीक है बच्चों, सी एन की रिएक्शन करवाएंगे यहां पर तो हमारे पास में ये जो सी एन है इस कार्बोनिल कार्बन पे टैक कर लेगा पहले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ये एनो टू ग्रुप सी एन आ गया बच्चों, सी एच और ये ओ OH. एच अब वापिस फिर बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होकर फिर वापिस ये ओ आ जाएगा अब आगे देखो एच सी एल और हीट लिख दिया तो एच सी एल का मतलब एसिडिक मीडियम में इसका क्या होगा हाइड्रोलाइसिस होगा सी एन का अब हाइड्रोलाइसिस एच सी एल इसका मतलब ये सी एन कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल ओ एच में तो ये बच्चों कन्वर्ट होकर के हमारे पास तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास सी एच ओ एच आ रहा है सी डब्ल्यू एच आ रहा है इधर नहीं आ रहा ओ एच नहीं है यहाँ पर ये भी तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो गया <coughs> पहला आपका फर्स्ट या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया फिर फर्दर आपका सी एन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो गया एक तरह से अभी हीट लिख दिया तो कई लोग इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भी इसमें आगे जाके हीटिंग का इफेक्ट आ रहा है तो हीटिंग का मतलब है कि रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर चाहिए तो ऐसे हीट लिखा है मतलब यहां पर ऐसे बहुत ज्यादा हीट वाला वो मतलब नहीं है ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लो पेंटेनॉन विद मैथिलिथियम लिथियम बच्चो सी एच थ्री एल आई है <coughs> तो ये माइनस और ये प्लस तो ये 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 हो गया आपके पास और ये देखो बच्चों यहां पर कार्बोनिल कार्बन आ गया और ये सी एच थ्री माइनस न्यूक्लियर फाइल इसके ऊपर अटैक कर लेगा तो अटैक करने के बाद में यहां पर साइक्लोपेंटेनोइल एनाइन बन जाएगा आपके पास ये आपका सेकेंड आ जाएगा देखो ये आपके पास ये ओपे नेगेटिव आ जाएगा और ये सी एस थ्री अटैक कर लेगा प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल डी हाइड विद प्राइमरी एमिन इच ठीक है बच्चों। एल डी हाइड की रिएक्शन प्राइमरी एमिन से करानी है एल डी हाइड और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बच्चों हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन तो यहां पर ये बन गया आपका इमीन बन गया इसको हम बोलते हैं सिप बेस फोर्थ करेक्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फाइव देखें बच्चों कंसीडर द रिएक्शन इसमें हमारे पास एक्स एक तो आइडेंटिफाई करना है देखिए एक्स जो है हमारे पास क्या होगा एक्स होगा हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एथेलोल होगा देखो पहला ऑप्शन ए मेथोक्सी थे गलत हो गया एथे नेक्स आपने पूछा है तो x आपके पास है सॉरी ए ए नहीं ये एक्स एथेनोल आ रहा है ठीक है एक्स एथेनोल इसमें भी आ रहा है एक्स इसमें आ रहा है ये है ये ये गलत दो ऑप्शन गलत हो गए आपके पास अब हमारे पास एथेनोल आ रहा है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो अब हमारे फर्स्ट सेकंड में सेलेक्ट करना है एथेनोल हो गया एक्स तो फिर इसका डिहाइड्रो एलोजिनेशन हो रहा है डीहाइड्रो में बच्चों इसमें हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये ए आपके पास आ जाएगा सी CH थ्री सी एच डबल वन ओ ये हो गया एथेनेल ए हो गया आपके पास एथेनेल एक्स हो गया आपके पास तो ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है बच्चों एक्स एथेनोल होगा ए एल होगा ये एक बात तो करेक्ट होगी दूसरा आप इसके बाद में आपके पास अब आप ये जो है ओ नेगेटिव की प्रेजेंस में ये एल्डोल रिएक्शन हो गई एल्डोल कंडेंसेशन तो इसमें देखो बच्चों ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो यहां से रिलीज़ कर दो तो ये हो गया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ तो ये बन गया ब्यूट टू इन एल ये वाई बन गया बच्चों ये वाई हो गया आपका और ये इसके बाद में इसके ए की रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका सेमी कार्बेजोन तो ये सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो गया तो इसमें कई चीजें आपको एक साथ पूछ ली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है लेकिन यहां पर एक नेमिंग रिएक्शन एल्डोल भी आ रही साथ में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन आ गई और यहां पर डिहाइड्रोहलोजिनेशन हो गया आपका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते आप तो इस तरह से एक थोड़ा मिक्स प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया दो तीन चीजें एक साथ पूछ ली क्वेश्चन नंबर सिक्स व आईपीसी ने कंपाउंड फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एसिड टोन रिएक्शन कराई सी टू एस से तो ये हो गया आपका फाइल तो एडिशन रिएक्शन हो गई ड्राई थर सोल्वेंट हो गया फिर आपके पास एच टू एस प्लस की प्रेजेंस में ये ओ आ जाएगा और ये बच्चों यहां पर एच OH हो जाएगा और ये आपका सी एच थ्री है तो अब आप इसका नेम देख लीजिए ये हो गया वन और ये टू थ्री फोर तो टू मिथाइल और ब्यूटेन टू ओल हो गया बच्चों टू मिथाइल ब्यूटेन टू ओल तो थर्ड आंसर आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो एडिशन में देखिए साइनोहाइड्रिन आपको पूछ रहा है यहाँ साइनोहाइड्रिन पूछ रहा है तो यहां देखिए बच्चों साइनोहाइड्रिन बनेगा एच से तो ए के साथ में एच सी एन का एच कार्बनिक कंपाउंड है एथसीन का एडिशन कराएंगे सी एन माइनस तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन साइनोहाइड्रिन तो ए में देखिए बच्चों फोर्थ ए में फोर्थ ऑप्शन ये आ रहा था थर्ड और बी में आपके पास देखिए अभी और भी आप मैच कर सकते हो एन एस टू ओ से ओगजिम बन जाएगा आपका डी का आपका फर्स्ट आ जाएगा सिप छार जो आपके साथ है वन डिग्री आई से सिप छार बनेगा आपका एसिड बनेगा एल्कोल के साथ में तो इस तरह से करेक्ट आंसर आपका थर्ड बेटर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन 2022 का क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है जो सी एच थ्री सी एच ओ और ये आपके पास में बच्चों ये हो गया हाइड्रोजन और फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी देखो ये एडिशन रिएक्शन हो गया और एलिमिनेशन भी होगा क्योंकि वाटर एलिमिनेट होना यहाँ से ये जो है एच टू यहाँ से रिलीज होना आपका इसके बाद में सी एच थ्री सी एच ओ यहाँ से वाटर और ये ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी ये भी हो गया इसके बाद में ओ एस ओ टू एन तो ये आपके पास only nucleophilic addition है, एलिमिनेशन हो, हो गया तो आपके पास फर्स्ट सेकेंड जो फोर्थ है वो रिएक्शन डायरेक्ट पता चल रही मैकेनिज्म है देखो आपके पास अमोनिया आती है अमोनिया के डेरिवेटिव जितने भी है हाइड्रोक्सीमिन फेनिल हाइड्रोजिन टू फोर डाइन नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजिन ये सारी रिएक्शन जो होती है ना बच्चों ये एडिशन एलिमिनेशन के एग्जाम्पल होते हैं ठीक है ना और ये केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा तभी देखें यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में आपके पास प्रोडक्ट बन रहे सारे डबल बॉन्ड मतलब तो तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है साथ में द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन सीक्वेंस देखिए बच्चों पहले एच सी एन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एच सी एन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे फर्स्ट स्टेप में तो ये यहाँ पर सी एन जो है इस पर अटैक कर लेगा तो बेंजीन रिंग के साथ में देखो मैं, मैं डायरेक्ट ऐसे ले रहा हूँ यहाँ पे ये हो गया ओ OH एच और ये एच और ये सी एन हो गया इसके बाद में बच्चों इसमें हाइड्रोलाइसिस से ये सी एन कन्वर्ट हो जाएगा सी एच में ये C double O में कन्वर्ट हो गया, फिर इसके बाद में थर्ड स्टेप में देखो, NAOH, CO है, तो सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे, सोडा साम के साथ हीट करते ही बच्चों यहां से CO2 रिलीज हो जाएगा, और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा आपका अल्कोल, बेंजिल अल्कोल, तो फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो गया, बेंजिल अल्कोल

ओ एच ये ओएच OH, OH दोनों सेम साइड लेते हैं, वन टू डाइलोग इसकी रिएक्शन ऐसी टोन से करा दे हम तो ये बच्चों एच टू रिलीज हो गया यहां से एच टू रिलीज होने के बाद में ये एक साइकिल रिंग बन रही है आपके पास इससे स्टेबिलिटी बनेगी लेकिन हम देखो बच्चों इसमें ये सिस आइसोमर है तभी बनेगा ट्रांस में नहीं बनेगा ये तो ये आपका फोर्थ एंसर इज करेक्ट ओजोन का तो कोई मतलब नहीं बन रहा इसमें डिस्ट्रिंग करने में ओजोन तो ऑक्सीडाइज करेगा सिस को भी करेगा ट्रांस को भी करेगा एम एन ओ टू भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ये भी सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इनसे अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे एसीटोन जो है वो सिस के साथ रिएक्शन करेगा ट्रांस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स दिक्वेंस रिएक्शन बच्चों सी एल टू एच की रिएक्शन होगी तो यहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल सब्सट रिएक्शन एफ एस आर होगी तो यहां पर सबसे पहले अब देखो अपन सी एल टू बना दिया ये बन गया आपके पास ये बनने के बाद इसका फर्दर यहां पर एनएसआर हो गई ये ये आपके पास एफ एस आर हो गई और ये हो गया एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट तो इसमें FS, होने के बाद में बच्चों इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है एक तरह से वो हाइड्रोलाइसिस एन का एग्जाम्पल और अब उसमें दो अपने पास यहाँ सी रिमूव होंगे तो यहाँ दो वो चाहेंगे आपके पास और ये एच रिलीज होगा तो एल तभी बनेगा यहाँ पर तो ये फर्स्ट आंसर आपका एक्स बन जाएगा अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अगला पोर्शन आता है नेमिंग रिएक्शन का पोर्शन नेमिंग रिएक्शन में हम देख रहे हैं बेन हाइड अभिक्रिया किस से नहीं बना सकते बेन हाइड अपन किस किस से नहीं बना सकते हैं देखिए एक तो अपने को बनाना बेन हाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय प्लस देखियो सीओ प्लस एसिल प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एसिल तो यहां बच्चों बना सकते हैं क्योंकि यहाँ एच सी ओ सी एल बनेगा सी एल फिर लिविंग ग्रुप रिमूव होके और ये पॉजिटिव चार्ज आके ये इस पर अटैक कर लेगा तो एल डी बन जाएगा इसमें ये कोच रिएक्शन एल डी बनाने की आपको पता है काटरमान कोच रिएक्शन अपन बात करते हैं ना उस तरह की रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन हो गई है और इस, के, इस केस में जेड एन एच जी कंसनट्रेड एच सी एल केस में ये सी डब्लूस को रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा बच्चों तो ये वाला हमारे पास इसमें एल डी हेड नहीं बन पाएगा और ये आपके पास इटार्ड रिएक्शन हो गई है इटार्ड रिएक्शन है ये बच्चों और सीओ नीचे ये रिएक्शन आ गई रोजेनमुंड रिडक्शन है ये रिडक्शन है एच टू इन प्रजेंस पी डीबी सीओ सील की प्रजेंस में तो नेमिंग रिएक्शन में अपन बात करें तो ये नेमिंग का ही क्वेश्चन सेकेंड में बेंज़ल यहाँ पर बेनजल नहीं बनेगा बाकी अदर निशन में हमारे पास बेंजल बन जाएंगे। बेनजलोन अंडर रहा है cyclohexanone है, तो आप देखो साइक्लोहेक्गजेनोन के ये येक्लोजन के दो मोल ले लीजिए बच्चों अब ये सिमेट्रिकल है किस साइड में ले लीजिए जैसे अब यहां से आपने ये लिया इधर आपके पास एच है और इधर आपके पास एच है तो ये एच टू रिलीज होना आपके पास अल्फा हाइड्रोजन आपको कंड करके अब देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा आपका अब इसमें तो खाली ओवच ही आया ये नहीं आएगा ये भी ओवच आया खाली तो ये दोनों कैंसिल हो गए इसमें दो कीटोन ग्रुप आ गए तो फर्स्ट हमारे पास करेक्ट हो गया एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल हजार 2017 में पूछा क्वेश्चन है अब आता है ए मिक्सचर ऑफ बेंजल डिहाइड एंड फॉर्मेल डिहाइड रिएक्टेड विद होट कंसंट्रेटेड एन सॉल्यूशन प्रोडक्ट इज रिएक्टेड बच्चों ये आपके पास आ गई केनिजारो रिएक्शन केनिजारो रिएक्शन है ये कंसेंट्रेड जो एनएच की प्रजेंस में होती है केनिजारो रिएक्शन तो बेन आपके पास आ गया और प्लस फोर आपके पास ये है तो बच्चों मोर रिएक्टिव एल डी हाइड का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है तो मोर रिएक्टिव आपके पास क्या है फोर एल डी हाइड होगा इसका reduction product होगा NaOH और में ये 50 concentration लेते हैं पर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन तो, तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा आपका एक इसका तो बन जाएगा बच्चों सी एच टू ओ एच और H -C -O -N ये और ये ये इसका इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया रिडक्शन आपको पता से, का बहुत अच्छा है मतलब आपके पास दो टाइप के एल्डिहाइड है एक है लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड एक मोर एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव का आपके पास क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा लेस रिएक्टिव का आपको रिडक्शन होगा नेक्स्ट लेते हैं अपन

ये अल्फा कार्बन है इसके साथ में टोटोमराइज करते हो आप ये इनोल बन गया है आपका एक इनोल बन गया है एक आपका कीटो बन गया है तो कीटो इनोल टोटोमरिज्म है बच्चों इसमें तो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा रिएक्शन बिटवीन बेंजलडीहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डायलूट एनिय डायलुट एन्यूस का मतलब बच्चों ये रिएक्शन हो गया आपके एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो यहां पर देखिए दो सेम टाइप के एल्डीहाइड या मैं कहूंगी दो डिफरेंट टाइप के कार्बन कंपाउंड है एक में एल्डिहाइड और एक एस्टिटोफिन हो गया आपका ये एस्टिटोफिन है बच्चों इसमें अल्फा एच है और ये बेन्ज एल्डीहाइड है इसमें अल्फा एच नहीं है आपके पास तो इसमें और डायलूट की प्रेजेंस में तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया Which of following is not formed when the acetone reacts with the 2-pentanone in the presence of dilute anhydride followed by the heating। इसका मतलब बच्चों देखो, यहाँ आपके पास dilute anhydride दे दिया। इसका मतलब ये aldol condensation reaction हो गई। तो aldol condensation में देखो, आप आपके पास दो तरह के compound हैं। ये है acetone और दूसरा आपके पास है 2-pentanone। ये 2-pentanone है। अब आपको इसमें से यह देखना कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा ही पूछ रहा है तो एक बात आप ये नोट करके देखिए कि इसमें कितने कार्बन है आप पास थ्री कार्बन है और इधर कितने कार्बन है फाइव कार्बन है तो वैसे सिंपल देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब ये टेन कार्बन कहा से आ गए ये प्रोडक्ट ही गलत है इसका मतलब आंसर आपका यही करेक्ट हुआ समझ रहे बच्चों अब बाकी आप पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ जैसे इसमें सेल्फ बनते हैं इस जैसे इसका सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा इसका भी सेल्फ बनेगा इसके इसके साथ में क्रॉस बनेगा इसके इसके साथ में क्रॉस बनेगा तो पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके पास देखिए अब यहाँ पर ए, ये आपके पास ले लिया वन ये टू थ्री फोर और फाइव और इधर आपके पास है वन और टू तो इसके साथ में जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया पॉसिबल है अब इधर अपन देखें इसके अंदर ये एस का सेल्फ प्रोडक्ट है देखिए वन टू थ्री और इधर है वन टू थ्री ये वन टू और ये थ्री यहाँ पर सी एच टू ले लिया इसका ओ तो ये इसका सेल्फ प्रोडक्ट है ठीक है बच्चों अब इसके बाद में ये क्रॉस हो गया अब इधर वाला चेक कर लीजिए आप सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है सी एच थ्री सी डबल सी एच थ्री आ गया टू पर आ गया और ये एसीटोन आपके पास आ रहा है देखो ये एसीटोन आ गया और ये आपके पास में आ गया वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो पांच कार्बन का वही बन रहा है वापिस तो ये वाला प्रोडक्ट भी पॉसिबल है तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट फर्स्ट पॉसिबल नहीं है तो इसमें क्या है कि भी जैसे दो सेल्फ प्रोडक्ट होते हैं जैसे इसका सेल्फ बनेगा इसका सेल्फ बनेगा फिर दो क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे तो पहला देखिए आपके पास देखो नंबर ऑफ कार्बन से पता चल गया कि प्रोडक्ट गलत है

इसमें एल्कोल आ रहे लेकिन इसके अंदर आपको हेलोफॉर्म जनरेट नहीं होगा हेलोफॉर्म हमारे पास इस टाइप के एलकोल आने चाहिए ठीक है ना टू डिग्री में इस टाइप के एल्कोल आते हैं तो जनरेट होगा तो फर्स्ट आंसर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन में बात करें तो दिस इज ए हेलोफॉम रिएक्शन द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इच देखिए बच्चों सी एच थ्री के साथ में यहां पर इंटरमीडिएट बनने वाला है जो बताना आपको तो ये देखिए आपके पास ये बेंजीन रिंग है ये सी एच है और ये सी आर ओ टू सी एल टू और ये एच अब ये बच्चों यहां पर लगा दीजिए आप ट्वाइस ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा आपका भाई अपने पास यहाँ से दो हाइड्रोजन रिलीज हुए दो हाइड्रोजन की जगह इसके दो मोल रिएक्ट कर लेंगे सी Cl2 और दो H यहाँ पर तो इंटरमीडिएट ये आपका फोर्थ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया ये इटार्ड रिएक्शन है आपकी इटार्ड रिएक्शन और इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस आपके पास बेनजल बन जाएगा सीआरटी का क्वेश्चन बच्चों इंटरमीडिएट बीच में ये फॉर्मेशन होता है इसका बेन जेल्डी हाइड द इनकरेक्ट मेथड टू सिंथेसाइज द बेन जेल्डी हाइड बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन दिया है आप किससे प्रिपेयर नहीं कर सकते हो देखो तो इटार्ड रिएक्शन है तो इटार्ड रिएक्शन से हम कर सकते हैं बच्चों और ये CN CH3 MgBr फॉलोड बाय H3O तो देखिए यहाँ पर CH3 की रिएक्शन भी करवाएंगे तो हमारे पास में एल्डिहाइड नहीं बन पाएगा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और इसमें हमारे पास एसीटोन बन जाएगा इसके बाद में यहां पर uh, H2

तो ये रिडक्शन हो गया ये हो हो गया आपका। reduction हो गया, आपका, ये होगा और फिर फॉलोडोलाइसिस तो इसमें एसीटोन बन जाएगा हमारे पास देखिए अभी ये इस तरह से रिएक्शन होती है अब यहां पर ये सी एस थ्री न्यूक्लियो फाइल होता है तो ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा तो डबल बॉन्ड फिर बाद में इधर एन तो आ जाएगा फिर आइडोलाइज करेंगे तो सीओ ग्रुप आ जाएगा इधर तो इसमें ऐसी टोन बनेगा हमारा तो सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड तो देखिए नेमिंग रिएक्शन को अपन देखना है फर्स्ट देखो सीओ एच सी एल एन एनजेंसी बच्चों ये आपकी जो रिएक्शन आ गई है गाटरमान कोच रिएक्शन गाटरमान कोच रिएक्शन है ये तो ये हमारा फर्स्ट जो है इस थर्ड के साथ मैच हो जाएगा ए जो है ए जो है हमारा सेकेंड के साथ मैच हो गए बच्चों ठीक है अब ये वाली रिएक्शन आपकी आ गई हेलो फॉर्म, फॉर्म रिएक्शन मतलब बी का आपका थर्ड बी का थर्ड मैच हो रहा है ए का सेकंड मैच हो गया बच्चों इसके बाद में कंसनटेड एस्टूफोर ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो गई तो सी का हमारा फोर्थ एस्टिफिकेशन और ये हेलवर्ड जेलिस्ट की रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोजिक एसिड रेड फोर्स हेलोजिनेशन है, तो ये आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो गया बच्चों आर एम जी एक्स सीओ टू रिक्शन ड्राई थर्ड के प्रेजेंस में देखो बच्चों। आर एम जी एक्स ये न्यूक्लियर फेल जनरेट कर लेगा और सीओ टू के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये इस पर अटैक होगा अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये एसिड बन जाएगा तो अपने को तो आर सी डब्लो आपके पास इंटरमीड एम जी एक्स ले लीजिए आप तो वाई पूछा आपको हो हो गया हो गया फोर्थ कार्बोग्लिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड हो गई बच्चों कार्बोग्लिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड द प्रोडक्ट एंड बी फॉलोइंग सीक्वेंस आर प्रोडक्ट पूछ है आपको देखिए अब आप एक थोड़ा एक मिक्स क्वेश्चन है ठीक है बच्चों सबसे पहले एच का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा एल्किन के ऊपर तो जैसे यहाँ वो स्टेबल बनेगा आपका ठीक है ना जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई और ये बी आपके पास यहां पर आके शिफ्ट होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो देखिए पहला जो प्रोडक्ट बनेगा ये सी एच सी एच थ्री और ये बी आर इसके बाद में बच्चों एम जी ड्राई इथर तो अभी ग्रीनार रीजेंट बन जाएगा आपका एम जी बी आर ठीक है बच्चों इसके बाद में सीओ टू सिलेक्शन करवाएंगे तो इसका ये कार्बन आइन जनरेट कर लेंगे ये CH3 ले लीजिए ये डबल बॉन्ड O आ गया ये O नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस करके अपन आगे बना देंगे OH तो ये बनेगा आपका A A प्रोडक्ट बन गया बच्चों A में आपके पास एसिड बनेगा और ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में गड़बड़ दिख रहा है थर्ड में भी गलत दिख रहा है अब सेकंड में भी गलत है तो ये आपके पास आएगा फोर्थ आपका दिख रहा है बच्चों फोर्थ ऑप्शन में ठीक है उसके बाद में आप आगे, आगे से है। कर दो यहाँ सी एल आ जाएगा आपका सीएल रिमूव कर दिया इसके बाद देखिए अब यहाँ प्रोडक्ट बनेगा आपका सीएल और सीएल के बाद में अगला जो प्रोसेस आएगा सी एस थ्री एनएसआर रिएशन हो जाएगी ये भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्टेशन ये लिविंग ग्रुप आपका रिमूव होगा मतलब एसिड डेरिवेटिव की ओ एच रिमूव के यहाँ सी आ जाएगा एस ओ टू गैस रिलीज हो जाएगी और एच बन जाएगा फिर यहाँ आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा सी एच थ्री और ये सी एच सी ओ ये जो है आपके पास यहाँ आ जाएगा बच्चों एन एच और ये सी एच थ्री ये आपका बी हो जाएगा तो बड़ा मिक्स सा क्वेश्चन है कई कॉन्सेप्ट पूछे इसमें जोरदार क्वेश्चन पूछा है पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिया। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में एस आर हो गया इसलिए तीन रिएक्शनों का एक साथ कॉम्बिनेशन पूछ लिया इसने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट में कॉम्बिनेशन वाले बहुत ऑर्गेनिक में विच एस्टस हाइड्रोलाइज मोस्ट इजीली अंडर एल्कलाइन कंडीशन एल्कलाइन कंडीशन में मतलब ये बच्चों की एन एस आर हो गई न्यूक्लियोफिलिक्स रिएक्शन है एन रिएक्शन है और एन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के ऊपर एस्टर के अंदर विड्रोविंग रूप से एनएसआर जो होगी इसमें डायरेक्टली प्रोपोज ई आएगा बच्चों तो यहां खबल्यू जी ग्रुप है ये ईडब्ल्यू जी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विडब्ल्यू जी है लेकिन वीक ई डब्ल्यू जी और ये स्ट्रॉग ईडब्ल्यू जी है स्ट्रॉन्ग ई जी में जो हाइड्रोलाइज जो है बहुत ही फास्ट होगा इसमें फोर्थ का वैसे डेरिवेटिव की रिएक्शन है ये कार्बोलिक एसिड इज अर हायर बॉइलिंगलीस इट इज ड्यू टू देर तो इसमें हमारे पास फोर मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशनवाल फोर्स ऑफ एट्रेक्शन नहीं फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण इनके जो मोलिकुलर वेट जो होते हैं मोलिकुलर मास के मोलिकुलर वेट है यानी मेरे को बॉइलिंग पॉइंट जो इनके क्या होते हैं ज्यादा हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन एच बॉन्डिंग होता है आपने जनरली सब जगह इनऑर्गेनिक में भी देखते हो ठीक है ना तो इसमें ये फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग ये नहीं इंटर मोलिकुलर देखिए कार्बोगलिक एसिड में ये इस टाइप की बॉन्डिंग आपने देखी है आपके इंटरामोलिकुलर मतलब इंटरमोलिकुलर बच्चों इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड एच बॉन्ड बिटवीन टू तो डिफरेंट मोलिकुल एल्डिहाइड और कीटोनों में अन्य क्रियाओं के पशु दुर्बल आणविक संगण के कारण एल्डिहाइड और हाइड्रोनिक समतुलर होते हैं सही बात है ये करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों टोन हायर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बास ये देखो एल्कोल एच बॉंडिंग आ गई उसमें तो इसमें हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है बच्चो

देखिए बच्चों एन ए बी एस सोडियम बोरोहाइड्रेट है, है और विच इज सुबल फॉर दर्बोनल नहीं है एसिड और एसेड नहीं है तो ये देखिए पास में रिड्यूस हो गया ओच, ये वैसे वैसे रहना चाहिए ये रिड्यूस हो गया गलत हो गया ये वाला भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया तो आपके पास थर्ड आंसर करेक्ट हो गया बच्चों अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक है X जिसका अनुसूत्र है C5H10O तो फेनिल हाइड्रोजन देता है अब फेनिल हाइड्रोजोन दे रहा है इसका मतलब एल कीटोन है तो इसका मतलब एल्कोल तो वाला कम कैंसिल कर दो नोल टू पेंटे नोल यहाँ थोड़ा सा देखिए मिस्टेक है थ्री पर टू पेंटे नोन आएगा ये थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में सही करना बच्चों टू पेंटे नोल नहीं आएगा अब अब लेकिन अब फर्स्ट तो वैसे कैंसिल हो गया अब हमारे पास ये ओन ये वाले आ गए अब आगे देखिए ये बोल रहा है आइडोफॉर्म परीक्षण परीक्षण के प्रति ऋणात्मक है इसका मतलब टोलन टेस्ट भी नहीं दे रहा है टोलन टेस्ट मतलब एलडी हेड देते किटोन नहीं देते बच्चों तो पेंटेनेल ये वाला भी कैंसिल हो गया आपका इसका मतलब इन दो में से आंसर है अब दो में से देखिए एक है टू पेंटे नॉन और एक है थ्री पेंटे एक थ्री पेंटे नॉन टू पेंटे नॉन है अब ये वाला जो है हेलो फॉर्म देगा और ये हेलो फॉर्म नहीं देगा तो वो बोला हेलो फॉर्म नहीं दे रहा आइडो फॉर्म परीक्षण नहीं देना चाहिए तो आपका फोर्थ करेक्ट हो गया